है। तो उत्तर प्रदेश बहराइच हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी। दो जजों की बेंच पर मामले की सुनवाई, जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन शामिल हैं। तीन पीड़ितों ने दायर की याचिका, नोटिस को रद्द करने की मांग की गई। 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगा। 13 अक्टूबर को बहराइच में सांप्रदायिक टकराव भी हुआ था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो जजों की बेंच मामले को लेकर सुनवाई कर रही है और जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन इसमें शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहेगा। तीन पीड़ितों ने ये याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सुनवाई होगी। नोटिस को रद्द करने की मांग की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी। दो जजों की बेंच मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, उसके बाद ये जो नोटिस दिया गया है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ रह सकता है और जो याचिका दायर की गई है उसमें कौन कौन से अहम बिंदु है, विस्तार से बताइएगा। देखिए माधव, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज बहराइच के माफी महाराज के अंदर 13 अक्टूबर की घटना होती है, वो लगातार अपना तूल पकड़ता जाता है। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लगातार जो कार्रवाई का जो दौर था वो देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से 18 अक्टूबर की रात को यानी PWD की तरफ से एक नोटिस जमा की जाती है, यानी शायद डेट में 17 तारीख की, और कहा जाता है कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आप अपने सामानों को खाली कर लीजिए वरना जब बुलडोजर की जो कार्रवाई होगी उसका भी पैसा आप लोग से भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो जो आरोपी थे उसकी तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में, देखिए एक APCR जो पैनल है उसके माध्यम यानी रविवार को एक हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई होती है शाम के वक्त, जिसमें एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला होता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर 15 दिन की रोक लगा दी थी, वही सुप्रीम कोर्ट में रविवार को सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद यानी मंगलवार को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि 1 दिन के लिए जो बुलडोजर की कार्रवाई उसको यानी उसको रोका जाए। जिस तरीके से यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यानी बुधवार 23 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होनी है, यानी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला जा सकता है, लगातार जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जो है जताई जा रही है, और आज यानी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। जी रिजवान, क्योंकि नोटिस दे दिया गया था, जितने भी आरोपी थे या फिर जितने भी घर चिन्हित किए गए थे उन पर बुलडोजर कार्रवाई की, तो अभी इस समय क्या अपडेट है, क्या लोगों ने सामान निकाल लिया है उन घरों से? देखिए माधुरी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब PWD की तरफ से लगातार सर्वे का काम किया जाता है और यानी 18 अक्टूबर की रात को तकरीबन उनके घरों और दुकानों पर यानी कई दुकान और मकानों को चिन्हित किया जाता है, जिनके घरों के बाहर नोटिस को चस्पा कर दिया जाता है, लगातार जो है अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि तकरीबन 3 दिनों के अंदर आप अपना जो है सामान खाली कर लिया जाए वरना फिर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई होगी उसका भी पैसा आप लोगों से वसूला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जब PWD कहता है और उसके बाद जो लोग वहां पर हैं जो ग्रामीण हैं जिनके चिन्हित किया गया था दुकान और मकान, उनकी तरफ से जो मकान सामान था वो लगातार वो निकाला जा रहा था और खुद वो कहीं ना कहीं हथौड़े से जो है तोड़ते नजर आ रहा था अपने जहाँ तक जो जहाँ पर जो नोटिस चस्पा दी गई थी, तो लगातार लोगों के कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी थे जिस तरीके से वहां पर जो बड़ी कार्रवाई थी PWD की तरफ से की जा रही थी। लेकिन हालांकि जिस तरीके से हाईकोर्ट में यानी रविवार के दिन ही छुट्टी के दिन हाईकोर्ट जो है लखनऊ बेंच की तरफ से बिल्कुल रिजवान, देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।